स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग का बजट पेश करने के दौरान सरकार की ओर से दिए गए जवाब में कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार की पूरी टीम ने तन्मयता से काम किया। इसके कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर झारखंड में राष्ट्रीय औसत से लगभग आधी रही, जबकि स्वास्थ्य होने वाले मरीजों की दर भी करीब 99% की निकट में पहुंच गई है, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 96% है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण का संकट उत्पन्न होने के समय राज्य में एक भी लैब नहीं था, लेकिन आज 7 स्थानों पर आरटीपीसी लैब की स्थापना की गई है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों पर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जेपीएससी के माध्यम से 286 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने चुनावी फायदा उठाते हुए विधानसभा चुनाव के वक्त आनन फानन में 3 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करा दिया, लेकिन आज 300 बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब गया है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी और रॉयल्टी का पैसा भी राज्य सरकार को समय पर नहीं दे रही, जिससे संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके बावजूद हेमंत सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बजट में हवा हवाई बातों या जुमलेबाजी नहीं की गई है, बल्कि बेहतर आधारभूत संरचना के साथ मैन पावर की कमी दूर करते हुए बेहतर चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने का रोडमैप तैयार किया गया है, जिसका परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना। We'll be right back.